एक तरफ नेता चुनाव की तैयारियों में जुटे हुए हैं, उधर पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री चार धाम यात्रा को लेकर ग्राउंड पर पहुंचकर खुद इसकी पड़ताल कर रहे हैं, जायजा ले रहे हैं ताकि लोगों को किसी तरह की कोई दिक्कत ना होने पाए। चाहे यात्रियों से मिलना हो, उनकी बस में जाकर हालचाल पूछना हो, आराम से आ गए, या फिर दुकानदारों से उनकी रोजी रोटी की चिंता। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर धामी सुपर एक्टिव हैं। कल तक भीड़ अव्यवस्था जैसी बातें सामने आ रही थी, लेकिन चुनावी दौरा छोड़कर जैसे ही धामी ने चार धाम यात्रा को लेकर कमान संभाली, व्यवस्था पटरी पर दिखने लगी। अच्छा लग रहा है, चलिए आप लोगों की यात्रा सफल हो। तस्वीरें उत्तरकाशी के बड़कोट की हैं, जहां ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर खुद सीएम धामी ने हालात का जायजा लिया। इससे पहले उन्होंने देहरादून में हाई लेवल मीटिंग की, निर्देश दिए कि किसी कीमत पर यात्रियों को असुविधा नहीं होनी चाहिए। 24 घंटे में असर दिखने भी लगा। हमारा पूरा प्रयास है कि जल्दी से जल्दी यात्रा हमारी पूरी व्यवस्थित हो रही है। आज काफ़ी व्यवस्थित हो गई है, दो तीन दिनों में काफ़ी व्यवस्था है। पिछले दिनों जरूर अत्यधिक संख्या के कारण से कुछ इस प्रकार की परेशानियां आई थी और यात्रियों को भी कहीं परेशानियों का सामना करना पड़ा है, लेकिन अब हमारा पूरा प्रयास है कि यात्रा ठीक दिशा से सुचारू रूप से चले। असल में इस बार चारधाम यात्रा के लिए यात्रियों की संख्या पहले से ज्यादा है। यमुनोत्री धाम में पिछले साल 6,800 से ज्यादा यात्री पहले दिन आए थे, इस बार ये संख्या 12,000 को पार कर गई। केदारनाथ में भी पहले दिन 29,000 से ज्यादा भक्त पहुंचे, इसलिए शुरुआती परेशानियां हुई, मगर अब सरकार के मुताबिक सब कुछ ठीक हो रहा है। मैंने सभी अधिकारियों को भी कहा है सब कि सब लोग जो है नीचे ग्राउंड पर जाकर लोगों से मिलें, यात्रियों से मिलें, उनसे वार्तालाप करें, उनकी परेशानियां जानें और यात्रा को स्वयं जाकर देखें। दावा है कि प्रशासन ने भीड़ नियंत्रित करने के लिए कई कदम उठाए हैं। धाम के 50 मीटर दायरे में रील बनाने पर बैन है। चीफ मिनिस्टर ने लोगों से देवभूमि आने की अपील भी की, कहा राज्य की अर्थव्यवस्था के लिहाज से भी ये यात्रा बेहद महत्वपूर्ण है। ABP News आपको रखे आगे।